अस्सलाम वालेकुम, हरीम हेयर। दिस इज़ योर स्पोकन इंग्लिश क्लास। लर्न इंग्लिश बाय सिटिंग एट होम। नो नीड टू गो एनीवेयर फॉर लर्निंग इंग्लिश। जस्ट वॉच माय वीडियोस एंड प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस ऑन डेली बेसिस। फर्स्टली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट होमोफोन्स। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज एंड इंग्लिश has a sentence structure and some grammatical rules. Homophones. Homophones kaha jata hai hum awaaz alfaz, but these words have different meanings. Like way, we say way. Way means wazan karna. Way ek hota hai rasta, theek hai, rasta. Here baal, here khargosh. Sound dekh le, sound same hai. Hum khargosh ke bare mein baat kar rahe hain, baalon ke bare mein baat kar rahe hain, but द मीनिंग्स आर डिफरेंट। एट, एक होता है एट मतलब आठ, आठ का हिंसा। एक होता है एट, एट ये जो है ना पास्ट के लिए, जब आप पास्ट टेंस यूज़ कर रहे होते हैं तब आप एट यूज़ करते हैं, वैसे ईट जो है ये फर्स्ट फॉर्म है इसकी। सो एट मतलब खाया। नाइट, नाइट सुरमा या सरदार को कहते हैं। एक होता है नाइट, नाइट मतलब रात। Let me introduce you to some English sentences and you need to practice these sentences on daily basis by sitting at home, office, anywhere you like. English sentences and vocabulary. Sab kuch theek ho jayega, hum aksar kehte hain, we often say everything will be settled. Ya isko aap aise bhi keh sakte hain, everything will be all right. Tum jald खुशी पाओगे, हम अक्सर कहते हैं ना तुम अभी परेशान हो खुशी पाओगे। अब देख रहे हैं इस सेंटेंस में क्या यूज़ हुआ है, प्लीज़, प्लीज़ वर्ड। ये आप एक तो जब आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तब भी यूज़ करते हैं, या फिर जब आप खुशी के अपने तासरात किसी को चाहते हैं कि वो महसूस करे खुशी, खुशी का तसुर, तो तब भी आप प्लीज़ का वर्ड यूज़ करते हैं। यू विल कैच प्लीज़ सून, भरोसा रखिए। सेट एश्योर्ड, एश्योर्ड तो वैसे भी यकीन दहानी कराने को कहते हैं। घबराओ मत, डोंट फील नर्वस, कोई हर्ज नहीं, डजेंट मैटर, अपनी परेशानी ख़त्म करो, स्टॉप वरिंग। हिचकिचाओ मत, डोंट हेजिटेट, फिक्र की कोई बात नहीं, यू नीड नॉट वरी, कोई किराए की मोटर कर लो, हायर अ टैक्सी। अक्सर जब हमारा कोई फ्रेंड हो जिसने जाना हो, वो ऐसे ही आया हो, मतलब अपनी कार वगैरह में मत आया हो, तो हम उसे कहते हैं हायर अ टैक्सी। सो कोट के बटन बंद करो, बटन अप योर कोट। आग बुझने ना देना, कीप द फायर ऑन, मतलब आग को बुझने मत देना, कीप द फायर ऑन। अब देखें अब इन्होंने अब सेंटेंस किस तरह से यूज़ किया है। बूट के तस्मे कस कर बांधो, लेस योर शूज टाइटली। सेहत को बिगाड़ कर मत पढ़ो, डोंट स्टडी एट द कोस्ट। अब देखें कोस्ट वर्ड यूज़ हुआ है, कोस्ट वैसे लागत को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपने सेहत को बिगाड़ कर मत पढ़ो, मतलब आपकी सेहत जो है वो कीमती है। कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, डोंट स्टडी एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। तफसील के साथ खत लिखो, राइट अ डिटेल्ड लेटर। मुस्तकबिल में ऐसा मत करना, डोंट डू सो इन फ्यूचर। इसके पीछे दीवाने मत बनो, डोंट बी क्रेजी आफ्टर हर। आगे है जेब कुतरों से होशियार रहो। अब जो थीव्स होते हैं जो जेब काटते हैं उनको कहा जाता है पिक पॉकेट्स, बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। वक्त की पाबंदी करो, बी पंक्चुअल। अक्सर कहते हैं इधर उधर की बातें ना करो, डोंट बीट अबाउट द बश। फूल मत तोड़ो, तोड़ने को मतलब प्लक कहते हैं, ठीक है, अलहदा कर देना, जुदा कर देना, डोंट प्लक द फ्लावर्स। खराब आदतें छोड़ दो, गिव अप बैड हैबिट्स। दांतों में ब्रश कर लो, ब्रश योर टीथ। बक बक ना करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, नॉनसेंस कहा जाता है। हर चीज़ तरीके से रखो, अरेंज एवरीथिंग इन ऑर्डर। बेवकूफ़ ना बनो, डोंट बी सिली। मेहमानों की खातिर करो, अटेंड द गेस्ट्स। काम में खलल ना डालो, डोंट होल्ड अप द वर्क। तुम्हें अपनी बुरी आदतों से बाज रहना चाहिए, बी केयरफुल अगेंस्ट योर बैड हैबिट्स। आई विल ट्राई टू डिस्कस वोकैबुलरी एंड सम
सेंटेंसेस ऑन डेली बेसिस सो डैट यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश. मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस और वोकैबुलरी करवाती रहूँ ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके. सो स्टे कनेक्टेड टू माई यूट्यूब चैनल एंड गिव योर व्यूज़ इन कमेंट सेक्शन. ओके देन, अल्लाह हाफिज़.